प्याज एक ऐसी चीज जो हर एक खाने के स्वाद को बढ़ा देती है। कोई भी सब्जी प्याज के बिना तो भाई अधूरी है। प्याज किसी भी सब्जी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। प्याज को पकाकर भी खा सकते हैं और उसे सैलेड के रूप में कच्चा भी खा सकते हैं। खाने का स्वाद बढ़ जाता है ना? दोस्तों, जहां बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कभी कभी डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पाते हैं, वहीं प्याज हर एक बीमारी का समाधान अपने इन छल्लों में समेट कर रखे हुए है। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि क्या है प्याज खाने के फायदे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। प्याज कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन सी, B6 जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। दोस्तों, आज के समय में लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें से कैंसर सबसे खतरनाक और घातक बीमारी मानी जाती है। लेकिन ऐसी घातक बीमारी को भी प्याज मात दे सकती है। प्याज में क्वेरसेटिन तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि विटामिन ई की तुलना में सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये रासायनिक तत्व शरीर में कैंसर कोशिका को पनपने से रोकता है और इस तरह कैंसर होने की संभावना पूरी तरह से कम हो जाती है। प्याज के सेवन से कोलन, प्रोस्टेट और स्तन कैंसर जैसी कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। प्याज के सेवन से मुंह का कैंसर भी दूर हो जाता है। एक रिसर्च में ये देखा गया है कि जो लोग ज्यादा मात्रा में प्याज खाते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। जब प्याज कैंसर जैसी घातक बीमारी को दूर कर सकती है, तो इसके लिए डायबिटीज की बीमारी को कम करना कौन सी बड़ी बात है। प्याज का सेवन ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिससे डायबिटीज बढ़ने की आशंका कम हो जाती है। प्याज में पाए जाने वाला क्रोमियम पॉजिटिव हार्मोन को मेंटेन करके रखता है। प्याज का सेवन बालों और हड्डियों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। प्याज में अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्याज में सल्फर पाया जाता है, जो बालों के विकास और वृद्धि में मदद करता है। प्याज में एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। यही कारण है कि जब प्याज के रस को बालों में लगाओ तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे बालों का सफेद होना, डैंड्रफ होना जैसी आम समस्याएं बस चुटकियों में दूर हो जाती हैं। प्याज का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार है। प्याज का इस्तेमाल करने से कब्ज और गैस जैसी समस्या दूर हो जाती है। प्याज में ओलिगो फ्रुक्टोज नामक फाइबर पाया जाता है, जो आंत में अच्छे बैक्टीरिया को पनपने में मदद करता है। ये बैक्टीरिया पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाते हैं। इसके साथ ही प्याज का सेवन पेट के कीड़ों को भी मारने का काम करता है। जिन लोगों को लूज मोशन की परेशानी हो जाती है, उन्हें प्याज का सेवन करना चाहिए। इससे तुरंत लूज मोशन की परेशानी दूर हो जाती है। प्याज पायरिया को भी दूर करने में मददगार है। जिन लोगों के दांतों में अक्सर दर्द रहता है, मसूड़ों से खून निकलता है, मुंह से गंदी स्मेल आती है, वो लोग पायरिया से ग्रसित होते हैं। उन लोगों को अधिक से अधिक प्याज का सेवन करना चाहिए, क्योंकि प्याज में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मसूड़ों से ब्लीडिंग को रोक देते हैं। प्याज का सेवन हार्ट प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देता है। प्याज के सेवन से हार्ट अटैक की आशंका भी कम हो जाती है। ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, तो ऐसे में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन प्याज में फ्लेवोनोइड्स के गुण होते हैं, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके रखता है। इसके अलावा प्याज का सेवन थियोसल्फाइड्स रक्त की स्थिरता को सही बनाए रखता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। प्याज सूजन को कम करने में भी मददगार है। प्याज में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो शरीर के किसी भी भाग की सूजन को कम करने और दर्द को कम करने में मददगार साबित होता है। सर्दियों में प्याज का सेवन करने से अर्थराइटिस के दर्द से निजात मिलती है। दोस्तों, प्याज भले ही एक नॉर्मल सब्जी हो, जिसे लोग अन्य सब्जी में डालकर या फिर कच्चा खाना पसंद करते हैं, लेकिन आम से दिखने वाली ये चीज शरीर को एकदम हेल्दी और निरोगी बनाए रखने में मदद करती है। प्याज का सेवन हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। जो लोग हमेशा प्याज खाते हैं, गर्मियों के मौसम में उन्हें लू नहीं लगती है। प्याज में सोडियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर को डिहाइड्रेट होने से रोकता है। पुरुषों के लिए प्याज का सेवन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, जिससे उनके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। एक रिसर्च के मुताबिक प्याज में सबसे ज्यादा क्वेरसेटिन पाया जाता है, जो कि एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स को मरने से बचाता है, उसे हेल्दी बनाता है। यही कारण है कि अत्यधिक मात्रा में प्याज का सेवन पुरुषों की फर्टिलिटी को और भी बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, प्याज का सेवन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी बढ़ा देता है। प्याज में पाए जाने वाला क्वेरसेटिन कंपाउंड पुरुषों के शरीर में LH हार्मोन, न्यूट्रलाइज हार्मोन को बढ़ा देता है, और यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाए जाने वाला एक सेक्स हार्मोन होता है, जो पुरुषों में रोमांस की इच्छा को बढ़ाता है। तो इस तरह दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि प्याज हर एक बीमारी का रामबाण इलाज है। ऐसे में अगर आप प्याज नहीं खाते हैं, तो आज से ही प्याज खाना शुरू कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा,
वैसे कौन कौन अपने खाने के साथ प्याज जरूर शामिल करता है और बिना प्याज के खाना नहीं खाता है? कई लोग तो प्याज मैन भी कहे जाते हैं। जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि प्याज के साथ आपका संबंध कैसा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।